धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा रहेगा और आकर्षण का ये केंद्र बना रहेगा। मेरा क्षेत्र में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक गीता जयंती समारोह का आनंद लेंगे और गीता मनीष स्वामी ज्ञानचंद महाराज द्वारा संकलित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षण रहेंगे। केडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंहल मीडिया को बताते हुए 7 दिसंबर से सरस क्राफ्ट मेला शुरू होगा। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 17 दिसंबर को तीर्थ पूजन महाआरती व हरियाणा असम पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। आपको इसकी जो है कैसे आइडिया आया, पहले कहाँ बनाया था? अब पहले इंदौर में बनाया था हमने, चंद्र नगर में केदारनाथ मंदिर, तो फिर अब यहाँ पे बनाना आए हैं केदारनाथ। कितने कारीगर लगते हैं? कितने यहाँ पे 15 दिन लगते हैं, 15 दिन में कारीगर 10 कारीगर लगते हैं इसमें बनाने में। तो क्यों केदारनाथ ही क्यों चुना, कोई आइडिया क्यों आया मन में, कोई खास बात? खास बात क्योंकि अभी ये चल रहा है जगह जगह, सब जगह केदारनाथ यात्रा पे भी जाते हैं बहुत सारे, तो इसकी वजह से केदारनाथ बनाया गया है केदारनाथ, इसकी वजह से लोगों ने देख। आप वैष्णो देवी गुफा बना रहे हैं, कितना समय लगता है? कितना समाज में 20 से 25 दिन लगते हैं बनाने में, और इसमें पब्लिक हमारी जो बनाने में लेवल लगती है वो लगती है हमारी 20-25 लेवल लगती है दिन की रोज। और कितना पैसा खर्च भी होता है? खर्चा तो इसमें बहुत मोटा आ जाए लगाने में। तो कितने लोग देखने आते हैं? पहले कहाँ बनाया था यहाँ? पहली बार यहाँ पे पहली बार है कुरुक्षेत्र में, पहली बार बनेगा वैष्णो देवी का मंदिर, और पहले मेरठ में बनाया था हमने। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह की तैयारियाँ हैं, 7 दिसंबर से सरस मेला क्राफ्ट मेला की शुरुआत की जाएगी, क्या बताना चाहिए? इस बार जी 18 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये 8th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, 2016 में पहली बार शुरू हुआ था वर्तमान सरकार के प्रयासों से। 7 तारीख से 24 दिसंबर तक ये 18 दिन का महोत्सव रहने वाला है, जिसमें पहले 10 दिन 7 तारीख से 16 तारीख तक जिसमें क्राफ्ट होगा, भजन संध्या होंगी और आरती का आयोजन होगा।